are you guys? कैसे हो आप लोग? यार प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट कि आप लोग प्लीज मुझे वीडियो कॉल्स मत करो. नहीं नहीं कोई बात नहीं, वीडियो कॉल्स मत करो प्लीज. मेरा फोन हैंग हो रहा है ऑलरेडी. आई डोंट नो, जब से न्यू फोन लॉन्च हुआ है तब से क्या प्रॉब्लम आ रही है फोन में. सो मेरा फोन पहले ही बहुत हैंग कर रहा है. सो आप प्लीज वीडियो कॉल्स मत करो. मतलब वीडियो कॉल्स करोगे तो उसका ये मतलब नहीं है कि आई एम गोइंग टू रिप्लाई और आई विल टेक योर वीडियो कॉल्स. सो मुझे यही कहना था कि मेरा फोन बहुत हैंग हो रहा है और एंड प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी बैक टू बैक. इसलिए मैं अभी लाइव आई हूँ. जिसको जो बात करनी है वो अभी कर लूँ. और मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं फ़ोन से रिलेटेड. बट अगर आप बैक टू बैक, एक तो स्नैपचैट पे लोग बहुत 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 कॉल्स करते हैं, उसकी मैंने नोटिफिकेशन बंद कर दी है बिकॉज मेरा फ़ोन हैंग हो रहा था उस रीज़न की वजह से भी. सो हाय हाय हाय. और जिसको जो भी बात करनी है प्लीज़ अभी कर लो. एंड दैट्स द रीज़न आई एम लाइव कि प्लीज़. वैसे पता नहीं अब ये आईफोन वाले बहुत बुरे हैं, यू नो, नया फ़ोन लॉन्च करते हैं और उसके बाद हमारा फ़ोन हैंग. आज मेरा फ़ोन कितने 5-7 टाइम्स हैंग हुआ है. आई डोंट नो कि अभी तक बिल्कुल सही चल रहा था और अब क्यों ले लूँ नया फ़ोन. भाई नहीं लेना मुझे उसके चक्कर, मतलब अब मैं नया फ़ोन ले लूँ, मैं नहीं लेना अभी. एंड मतलब इट्स डिस्गस्टिंग व्हेन पीपल यूज टू कॉल अगेन एंड अगेन एंड अगेन. और मैं किसी को नहीं जानती तो ऑब्वियसली हाय करण मैम, आपके साथ एक पिक क्लिक करवानी है. मैंने करण आपको बोला है, बता देना. एंड व्हेन एवर यू कम टू चंडीगढ़ फॉर श्योर आपसे तो मैं ज़रूर मिलूंगी बिकॉज मैं अभी लाइव, देखो सबको, सबके सामने आपको बोल रही हूँ, आपसे मैं ज़रूर मिलूंगी बिकॉज आप, थैंक्स फॉर शेयरिंग इतने सारे पोस्ट. आप मेरे सारे हमेशा शेयर करते हो, हमेशा इतने सारे कमेंट्स करते हो आप. आप और हितेन मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो हमेशा हमेशा. मैं हमेशा नोटिस करती हूँ. सो आप दोनों से मैं हमेशा मिलूंगी. मैम यू आर सो ब्यूटीफुल. थैंक यू करण, थैंक यू सो मच. आज लगता है रूम पे रेस्ट हो रहा है. लाइक मैं अभी आई हूँ शूट से वापस और आई एम वेरी टायर्ड. सी माई फेस, आई एम वेरी वेरी टायर्ड. सो बट मुझे इसलिए लाइव आना पड़ा बिकॉज मुझे बैक टू बैक कॉल आ रहे थे. हाई आरती शर्मा, आई हैव सेंड अ मैसेज फॉर बिजनेस प्रपोजल एंड इफ यू लाइक देन से यस. ओके आई विल चेक, मैं चेक करके बताती हूँ. बाकी जितनी भी वर्क क्वेरीज है मैंने मेल आई डी मैंशन करी है, आप लोग मेरे को मेल कर सकते हो और मैं वैसे एनी हाउ चेक कर लूँगी एक बार कि क्या आपका क्या आपने भेजा है. हेलो मैम कैसे हो? जस पन्नू, हाई जस पन्नू, हाउ आर यू? एंड आई एम रियली फाइन, मैं बहुत अच्छी हूँ. आप लोग बताओ कैसे हो और अपने नए प्रोजेक्ट बताओ कि नए प्रोजेक्ट कौन से आ रहे हैं. एंड प्लीज़ जो भी मुझे वीडियो कॉल्स कर रहे थे या कोई भी इतने सारे मैसेजेस और जो भी था वो आप मेरे से अभी बात कर लो जो भी करनी है बिकॉज दैट्स वेरी डिफिकल्ट जब आप बैक टू बैक कॉल करते हो. फिर मुझे ब्लॉक करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा, फिर उनको आप लोगों को ब्लॉक करना पड़ेगा एंड आई डोंट वॉन्ट दैट गाय. सो प्लीज़ Try to understand. Dikvijay, hi Aarti, hello Dikvijay, how are you? Dikvijay, okay. I know face se pata lag raha, lag gaya tha aapke. Acha, big fan of your ma'am. Okay, hi Arsidhu, thank you so much. Vicky, hi Vicky, Karan, smiley face. Okay, hi. Mera to naam padke hi reply nahi dete log. आपका नाम ही आवारा रखोगे तो कैसे लोग रिप्लाई करेंगे आपको, बताओ. खुद ही कह रहे हो, खुद पता है तो फिर क्यों. यू आर सो ब्यूटिफुल मैम, व्हाट्स द सीक्रेट? मैं ब्यूटिफुल सीक्रेट, सीक्रेट ऐसा कुछ नहीं है. आई गेस मैं हिमाचल से हूँ सो दैट्स द सीक्रेट. मेरे से जो भी कोई पूछता तो मैं हमेशा यही कहती हूँ. वेरी नाइस, थैंक यू जी, थैंक यू. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल विश अ वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रा. एंड आई होप कि आप सबने नवरात्राओं के व्रत रखे होंगे और नवरात्रि पूजन एंड ऑल दैट सब जो भी होता है आप सब वो कर रहे होंगे. बिकॉज मैं तो फास्ट नहीं रखती हूँ और मैं सिर्फ एक रखती हूँ शिवरात्रि का. और मेरे को वैसे फास्ट रखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स. ओके थैंक यू सो मच. अभिषेक मेकओवर्स, वी आर ऑन शूट. We are talking about only and saw you live. We are on shoot. अच्छा ओके
अभिषेक, फाइन फाइन फाइन, क्या बात है, मेरे बारे में बात हो रही थी, देखो मेरा नाम लाइव, वेरी हॉट, ओके थैंक यू, थैंक गॉड अब बीच में कोई कॉल नहीं आ रहा, प्लीज प्लीज थैंक यू सो मच जो आप कॉल कर रहे थे, मुझे आपकी आईडी भी याद नहीं है, और आई गेस क्या था, जस जस नाम था, आप बैक टू बैक मेरे को वीडियो कॉल्स कर रहे थे, दैन थैंक यू सो मच, अभी मैं लाइव आई हूँ और आपने मुझे बीच में कोई कॉल्स नहीं करे, नहीं तो मेरा लाइव आने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं तो अदरवाइज मेरे को हमेशा कॉल्स ही आती हैं, सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ मत कॉल किया करो प्लीज़, मेरे पास फिर ब्लॉक करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। हे आरती, हाउस यू? आई एम फाइन, हाउस यू विजय सिंह, कैसे हो आप? अरुण राणा, आई एम फाइन जी, आई एम फाइन, आई एम परफेक्ट, वैसे थोड़ी सी टायर्ड हूँ अभी, फोटो शूट कर लो, मैं अभी भी ही शूट से वापस आई। हाय हाय आरती, कैसे हो? आई एम गुड, लव यू आरती, थैंक यू सो मच अमन, लव यू टू गाइज, आई एम कमिंग टू चंडीगढ़ टुमारो, दिग्विजय, ओके, तो मेरा कल शूट है, आई एम बिजी, एंड दिग्विजय मेरा क्लासमेट है, हम एक ही एरिया से हैं और हम लोग साथ में पढ़े हैं बचपन से लेकर, और ठीक है, ओके, टिकटॉक न्यू अपलोड कर दो मैम जल्दी से, मेरे को पोस्ट करना है, करण मेरे को टिकटॉक, मैंने सारी पोस्ट कर दी है, सारी इतनी सारी, बट मैं अभी बनाती हूँ फिर टिकटॉक नहीं, और फिर मैं पोस्ट करती हूँ, ठीक है, हैप्पी, और बताओ। हेलो मैम, मेरा नाम नहीं लिया, मल्होत्रा नवदीप जी, लो आपका नाम ले लिया, हैप्पी। हाय 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 पंकज प्रीत, हाउ आर यू? हेलो, बहुत सुंदर हो आप, आई टेक यू मॉडल इन माय न्यू सॉन्ग, ओके, लेट्स सी, अमित, हेलो हेलो ब्यूटी क्वीन, ओके, डैम डैम हॉट यार, थैंक यू, हेलो हेलो, लव यू आरती, लव यू टू गाइस, लव यू टू, मैं भी हिमाचल से ही हूँ, कांगड़ा से, ओके दैट्स रियली नाइस, आई लाइक हिमाचली पीपल, बिकॉज हिमाचल के जो लोग होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, बिकॉज मैं भी हिमाचल से हूँ, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, और जितने भी लोग हिमाचल से वो सब अच्छे होते हैं, और सारी जगह के लोग अच्छे होते हैं, वैसे आजकल बड़ा कुछ चल रहा है तो मैं ये नहीं कहूँगी यहाँ के लोग अच्छे नहीं होते, वहाँ के लोग अच्छे नहीं होते, तो ऐसा कुछ भी नहीं कहने वाली हूँ मैं, सारी जगह के लोग बहुत अच्छे होते हैं, बट हिमाचल स्पेशल है। कैसे हो यार आप? आई एम फाइन, आई एम गुड यार, गेटिंग फर्स्ट, क्या कुछ भी लिखते हैं कुछ लोग, क्या ही पढ़ूं मैं, जितेंद्र धीमान न्यू सॉन्ग का तो आ रहा है, जितेंद्र धीमान के साथ न्यू सॉन्ग कब आ रहा है, उनके साथ अभी मैंने कोई नया गाना तो नहीं शूट करा है, बाकी जो भी वो हमने करा था, आपकी आईज पर कुछ लगा हुआ है, मेरी आईज पे कुछ मस्कारा लगा है, बाकी काजल लगा है यार, बाकी ऐसा तो कुछ नहीं लगा, लैशेस लगी हैं। आप 35C में रहते हो करण? नो, आई एम ऑन टेल यू हियर, ऐसे नहीं बताना मैं कहाँ रहती हूँ आप जब आओगे तो मुझे बता देना, फॉर श्योर आई विल मीट यू, दुनिया दीवानी है, लव यू मैम, लव यू टू गाइज, लव यू टू, ओए होए आरती जी, आपकी इतनी क्यूटनेस देख के ऐसा लगता है जैसे परियों के लाइव दर्शन, ओ माय गॉड, ऐसा तो कुछ नहीं है जतिन जी, बट अगर आप ऐसा कह रहे हो और अगर आपको ऐसा लगता है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अच्छा, और एक तो मुझे यही कहना था कि वीडियो कॉल्स वाला वो मैं आपको ऑलरेडी कह चुकी हूँ, और स्नैपचैट पे भी मुझे बहुत ज़्यादा वीडियो कॉल्स आती है तो उसके लिए भी मैं ऑलरेडी भूल चुकी हूँ, बट वहाँ पे मेरे पास ऑप्शन था, मैंने नोटिफिकेशन ऑफ कर दी है, सो एक इंसान बहुत ही ट्रैवल कर रहा था, न्यू न्यू आईडीज बना के मुझे बहुत परेशान कर रहा था, और मुझे लगता है ऐसे परेशान करने से मैं ऐसा नहीं होता कि कोई भी बात कर लेता है, उससे इंसान ज़्यादा इरिटेट होता है, और मैम आज तुहाडे शूट किधर हो रहा सी? 26 सेक्टर प्लेग्राउंड के पास,
पूरा पूरे पूजा दी ही लग रही है दिग्विजय। मैं दी, हाँ मैं और दीदी बिल्कुल सेम लगते हैं, तो अब ऑब्वियसली मैं उनकी छोटी बहन हूँ तो मैं पूजा दीदी जैसी ही लगूंगी। आई वॉन्ट योर ऑटोग्राफ। श्योर श्योर श्योर, सो क्यूट मैम जी, थैंक यू सो मच। जितेंद्र दीवान नाल न्यू सॉन्ग कदों आ रहा है? मैंने अभी भी बताया, जितेंद्र दीवान के साथ अभी कोई गाना नहीं आ रहा है, जो पहले आया है वो ही है। बाकी आप जितेंद्र दीवान को मैसेज करो, उनसे पूछो नए सॉन्ग के लिए, बाकी मैं भी उनसे पूछती हूँ और फिर आप लोगों को अपडेट पर करती हूँ। और जो अभी मेरा नया सॉन्ग आने वाला है, वो आना है शेरीमान जी के साथ। सो जब भी उसका मुझे पोस्टर लिंक या कुछ भी ट्रीजर या कोई भी अपडेट आती है तो फॉर श्योर मैं वो शेयर करूँगी। बट अभी जो मेरा सबसे अच्छा ट्रैक आना है वही आना है। सो मैं भी वेट कर रही हूँ कि कब आए वो, जैसे आएगा मैं बता दूंगी। आरती जी आपके यूट्यूब चैनल लिंक है तो बताओ। यूट्यूब चैनल अभी मैंने खोला नहीं है अपना, एक ऐसे स्टार्ट करा था बट मैंने उस पर भी कुछ डाला नहीं है। बट मैं अभी बहुत सारे मेरे को व्यूज़ आ रहे हैं ऐसे कि, और मुझे सब इतना ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं, मेरे को ऑप्शंस दिए जा रहे हैं कि आपको स्टार्ट करना चाहिए। बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा मैं यूट्यूब पे क्या बोलूँ, ठीक है, मतलब कि क्या क्या बनाऊँ, आप लोगों को कैसे मोटिवेट करूँ या क्या कौन सी चीज़ें करूँ। सो मैंने अभी ये सोचा है कि आई विल टेक द डांस क्लासेस, वंस आई विल टेक दैट, और उसके बाद मैं अपना यूट्यूब पे डांस चैनल या फिर कुछ क्लोथिंग से रिलेटेड खोलना चाहती हूँ। तीन चार ऑप्शन मैंने अभी और सोचे हैं। सो वंस आई विल ओपन एनीथिंग या मेरा कुछ अभी थोड़े टाइम में मेरा कुछ मैं स्टार्ट करती हूँ। वैसे क्लोथिंग ब्रांड का भी मेरे को बहुत ज़्यादा सारी लड़कियाँ कह रही हैं कि प्लीज़ आप स्टार्ट करो और हमें आपके कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छे लगते हैं, सो यू शुड गो अहेड विद द कॉस्ट्यूम वाला पार्ट। सो मैं सोच रही हूँ कि गर्ल्स के लिए भी मैं वो स्टार्ट कर सकती हूँ, तो लेट्स सी, वो भी एक ऑप्शन है। आई पवी, आई टेक यू मॉडल माई सॉन्ग। ओके मयूर वर्मा, हाय मयूर, हाउ आर यू, इट्स बीन सो लॉन्ग यार, क्या चल रहा है, क्या नया है, मैम कैसे हो आप? आई एम, हो गया था मुझे, ऑलवेज ऐसे ही रहना मैम, प्यारे से, क्यूट से, ब्यूटीफुल से, करण, आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं ऐसी रहूँ, क्यूट सी, प्यारी सी, सबसे बहुत प्यार से बात करूँ, बट काफ़ी बार ऐसी कंडीशन हो जाती है और बहुत सारे लोग इरिटेट कर देते हैं, तो हम लोग कितना समझे, मतलब बहुत बार लोगों को बुरा भी लग जाता है और मेरा कोई इंटेंशन नहीं होता कभी भी किसी को ऐसे हर्ट करने का, और मैं इतनी सांस में फटाफट 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 बोल रही हूँ गॉड, बट कई बार हो जाता है अनइंटेंशनली, सो उस चीज़ के लिए आई एम रियली सॉरी अगर किसी को मेरी कोई भी बात बुरी लगे। और सबसे ज़्यादा तो सबको ये लगता है कि मैं रिप्लाई नहीं करती, तो उसके लिए तो आई एम सॉरी बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस। मैम यू डोंट गो फॉर जिम वर्कआउट? आई डू योगा, आई प्ले बैडमिंटन, सो आई डोंट गो जिम। यू आर सो 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 क्यूट मैम, थैंक यू सो मच। हेलो मैम, अंकुश, हाय अंकुश, विशाल, हाय, नाइस लुकिंग, हेलो आरती जी। और नेक्स्ट सॉन्ग का नेक्स्ट मैंने बता दिया, जो नेक्स्ट आना है शेरीमान जी के साथ आना है, जैसे आएगा आई लेट यू नो, बहुत अच्छा गाना है। सो इवन आई एम वेटिंग, लेट्स सी मैम, यू आर सो ब्यूटीफुल, थैंक यू। यार हमारे मैसेज का भी रिप्लाई नहीं। जगदेव सिंह, इट्स ओके, आपकी पिक्चर ऑल माय फेवरेट, थैंक यू सो मच। पर मुझे ये नहीं समझ आता, मेरे फॉलोवर्स अगर इतने ज़्यादा हैं तो, मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कि इतने सारे लाइक्स आ जाते हैं कि मैं परेशान रहती हूँ कि अच्छा इतनी जल्दी, और कभी कभी इतने कम हो जाते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता कि कब आप लोगों को कौन से टाइम पे पिक्चर डालूं मैं, कब पोस्ट करूं। कभी कभी इतने ज़्यादा लाइक्स आ जाते हैं जिससे मुझे एक्सपेक्टेड नहीं होता, और कभी कभी मैं इतने अच्छे पिक्चर अपलोड करती हूँ और उस पर इतने कम लाइक्स आते हैं, फिर मैं परेशान हो जाती हूँ। जितेंद्र दीवान नाल न्यू सॉन्ग का दो, जितेंद्र दीवान से पूछो, उसको इतने ही मैसेजेस करके पूछो। एक तो कैम्बी के लिए भी बहुत आता है, कैम्बी नाल तुसी का नेक्स्ट सॉन्ग करोगे? सो अभी कोई प्लान नहीं है, जिनके साथ शायद एक बार कर लेते हैं, बहुत औखा होता है कि दोबारा उनके साथ किया जाए, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। और बहुत अच्छा सॉन्ग आ ही रहा है, मैं आपको बता दूं, शेरीमान जी के साथ, सो वो देखते हैं कैसा आता है। हेलो मैम, यू आर माई फेवरेट मॉडल, मेघू बेबी, थैंक यू बच्चा, थैंक यू सो मच। सिद्धू जी, संदीप सर एट स्टूडियो P3 मिसिंग टू डू शूट विद यू, पता नहीं कब वो दिन आएगा, वो दिन शायद कल आएगा, और कल सिद्धू जी एंड P3 तो मैं आती रहती हूँ, मे बी कल हम लोग सिद्धू जी, हम लोग कल शूट कर रहे हैं,
सिद्धू जी आपको सब पता है, फिर भी ऐसे सिद्धू जी से पूछे, शायद हम लोग कल शूट कर रहे हैं। मैम आपकी इतनी प्यारी सी स्माइल देख के आप आपकी आरती उतारने का दिल करता। अरे भगवान, मेरे को लोगों ने कहा था जतिन, ये कैसा कैसा क्या मतलब क्या लिख रहा हूँ, मुझे लोगों ने कहा था अपना नाम चेंज करो फॉर दिस इंडस्ट्री, बट मैंने नहीं चेंज करा। मयूर वर्मा, हाउ आर यू? आई एम फाइन मयूर, आप बताओ कैसे हो? एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी न्यू मूवी के लिए, एंड मैंने पोस्टर्स देखे थे आपके, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड होप टू सी यू सून। मे बी आई एम कमिंग बॉम्बे वेरी सून फॉर माई डबिंग, सो आई विल मीट यू देयर, अदरवाइज वेन एवर यू कम टू चंडीगढ़ डू लेट मी नो, मिलते हैं बहुत जल्दी, और एक दो असाइनमेंट के लिए अच्छा था, लेट्स सी। मैम नाइस, यू आर सो ब्यूटिफुल लुकिंग एंड सो गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मेरा नंबर कौन लेगा मैम जी? मतलब आपने मेरा ही लाइट खोला वहाँ पे, वाह। हाँ देखो देखो देखो, मेरी रूममेट, मतलब मैं यहाँ पे लाइव हूँ, उन्हें लाइव दिख रहा है कि मैं क्या बात कर रही हूँ, फिर भी अपने फोन पे देख रही है ये लड़की, वाह। हेलो हाउ आर यू? आई एम गुड आई एम गुड आई एम गुड। सिद्धू जी हाउ आर यू मैम? आई एम गुड। मैं जलंधर शूट के लिए आई थी, मैं अभी जलंधर नहीं हूँ, मैं चंडीगढ़ रहती हूँ, मैं जलंधर शूट के लिए आई थी। मैं छोटा सा आपका बिग फैन हूँ, मेरी छोटो बेबी, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू टू मयूर, सो मच ऑफ स्माइल, सेम सेम स्माइल फ्रॉम माई साइड। सो गाइज जस्ट टेक केयर एंड आई हैव टू गो बिकॉज इतने सारे मैसेजेस आए हैं अब। सो बस मेरा ये कहना था कि मेरा फोन ऑलरेडी हैंग हो रहा है, सो प्लीज़ मुझे नो वीडियो कॉल्स, नो कॉल्स प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू गाइज डोंट डू दिस। और बहुत सारे मैसेजेस आने, अभी भी मेरे से रिप्लाई नहीं हो रहा। करण सीरियसली मैम ऑलवेज ऐसे ही रहना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और भी बहुत सारे हैं मैम, थोड़े नाल शूट बहुत, इट्स डिफिकल्ट टू रिप्लाई एवरी वन, सो सॉरी। मेघू मैम एक बार, ठीक है, सो आई हैव टू गो आउट नाउ, मुझे कहीं बाहर जाना है, एंड सो बाय 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 गाइज एंड टेक केयर एंड आई अपडेट यू सून। और नो वीडियो कॉल्स प्लीज प्लीज प्लीज, मैं लाइव आ जाया करूंगी पर मेरा फोन मत हैंग करवाना, एंड थैंक यू फॉर सो मच लव एंड सपोर्ट, लव यू गाइज, बाय।